नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये जाती हुई सर्दियां और गर्मियों की आहट साफ संकेत है कि अब हमारे खेतों में रबी फसलें तैयार होने को हैं और अब समय है हमारी उस मेहनत के रंग लाने का जो हमने फसलों की बुवाई के समय खेतों में की थी। किसान भाइयों, फसलों की कटाई के समय भी अगर हम वैज्ञानिक विधियां अपनाएं और उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करें तो हम इस कार्य में लगने वाली लागत को भी कम कर सकते हैं, साथ ही अपना समय भी बचा सकते हैं। और इन सब की जानकारी देने के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन तो है ही। तो किसान भाइयों, देखते हैं आज के इस अंक में क्या है खास। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम ने दिया किसानों को संदेश, सरसों को माहों से बचाएं, भिंडी को पित्तसरा मुजक रोग से बचाएं, कटाई यंत्र रीपर का रखरखाव और पशुओं की खनिज तत्वों की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को गांव का पानी गांव में ही रोकने के साथ ही कई अन्य जरूरी सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि हर खेत में पानी बचाएं, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट को प्लास्टिक बोरियों में मिट्टी पत्थर भरकर पानी रोकें, इससे जल स्तर बढ़ेगा। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दें, इससे पानी भी बचेगा और फसलों को भी लाभ होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से फसल बोने की प्रधानमंत्री ने सलाह दी है। इस समय बदल रहे मौसम में सरसों की फसल में माहों की संभावना को देखते हुए फसल की सतत निगरानी रखें। माहों से ग्रस्त टहनियों को हाथ से तोड़कर नष्ट करें। आवश्यकता अनुसार इसके नियंत्रण हेतु इमिडा क्लोरोप्रिट 100 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। सरसों में श्वेत कीट रोग की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2 से 5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। भिंडी की फसल को पित्तसरा मोजक रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। यह रोग विषाणु द्वारा होता है। पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। साथ ही रोग अवरोधक किस्में जैसे पूसा, सावनी इत्यादि को बोना चाहिए। यह रोग ग्रीष्मकालीन भिंडी में कम लगता है। रोग के नियंत्रण के लिए इसमें संवाहक कीट को खत्म करने के लिए डाइमेथोएट 0.03%, मिथाइल या डेमेटेन 0.025% का घोल बनाकर छिड़काव करें। फसलों की कटाई के लिए रीपर अत्यधिक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से कम समय में अधिकतम क्षेत्र की कटाई की जा सकती है। रीपर ट्रैक्टर चलित एवं स्वचलित दोनों तरह के उपलब्ध हैं। कुछ भागों में गोबर रीपर हार्वेस्टर कंबाइन का उपयोग कटाई के लिए होने लगा है। आजकल अपने आप दांते निकलने वाले हसिये भी बाजार में उपलब्ध हैं। इनकी धार फसल काटने के साथ ही अपने आप बनती जाती है। रीपर के रखरखाव में सावधानी बरतकर इससे अच्छा कार्य लिया जा सकता है। कटर बार को चलाने वाली गियर में ग्रीस की आवश्यकता पड़ने पर डालते रहना चाहिए। घिरनियों पर लगे ब्लेड का खिंचाव ठीक रखें। पट्टे पर लगे लक्स को, जो कि फसल को एक सिरे पर गिराने के काम में आते हैं, उनके मुड़ जाने पर उन्हें ठीक कर लें। यदि अधिक घिस गए हैं तो उन्हें बदल दें। नाइफ ब्लेड एवं लेजर ब्लेड के बीच की दूरी उचित रखें। नाइफ ब्लेड की गति 5 मीटर प्रति सेकंड रखें। कटर बार के टूटने पर उसे बदल दें। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। पशुओं को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में खनिज तत्वों का प्रमुख स्थान है। खनिज तत्वों की पूर्ति हेतु पशुओं को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर की 25 से 30 ग्राम मात्रा प्रतिदिन पशु के वजन एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता के अनुसार देना उचित होगा। इसके साथ ही आयोडीन युक्त नमक भी पशुओं को प्रतिदिन देवें। बड़े पशुओं के लिए खनिज की ईंटें उनके रहने के स्थान पर रख देवें, ताकि पशु उसे चाटकर खनिज तत्वों की पूर्ति कर लेता है। यह विधि पशुपालकों की सस्ती भी पड़ती है। इस प्रकार से अगर पशुओं को आहार में नियमित रूप में खनिज तत्वों की आपूर्ति होती रहे तो पशु स्वस्थ रहेगा और उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के भाव
मंडियों में इस प्रकार रहे। उमरिया में न्यूनतम भाव 1,325 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,330 रुपए प्रति क्विंटल। डिंडौरी में न्यूनतम भाव 1,325 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 1,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 1,010 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,350 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,520 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। धार में न्यूनतम भाव 4,580 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,750 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव 4,223 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5,350 रुपए प्रति क्विंटल। शिवपुरी में न्यूनतम भाव 4,461 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,639 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव 4,100 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,850 रुपए प्रति क्विंटल। चना के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 3,401 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,276 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव 3,600 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,601 रुपए प्रति क्विंटल। रतनाम में न्यूनतम भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,356 रुपए प्रति क्विंटल। सतना में न्यूनतम भाव 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,250 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, फलों और सब्जियों की खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो हम एक सुरक्षित फसल के साथ साथ भरपूर उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं फसलों को अगर परिरक्षित कर लें तो हम इससे दूना लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि उचित समय आने पर इन फलों और सब्जियों का हम उचित दाम पा सकते हैं। फलों और सब्जियों का परिरक्षण किस तरह किया जाए, किन महत्वपूर्ण बातों का इसमें ध्यान रखा जाए, आइए लेते हैं इसी के बारे में जानकारी हमारे विशेषज्ञ कैलाश महाजन जी से। देश में फल एवं सब्जी परिरक्षण की बहुत ही अपार संभावना है। इससे न केवल हमारे किसान भाई एक अतिरिक्त आय के साधन में रूप में अपना सकते हैं, बल्कि जो बेमौसम फलों एवं सब्जियों का स्वाद के आनंद भी हम लोग ले सकते हैं। तो फल एवं सब्जी परिरक्षण को हमारे किसान भाइयों को एक अतिरिक्त आय के साधन के रूप में अवश्य अपनाना चाहिए। अब जो फल एवं सब्जी का परिरक्षण है वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके जो खराब होने के कुछ कारण रहते हैं। जैसे फल एवं सब्जियां है,
एक सबसे पहला कारण तो यह है कि इनमें जो जल की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। फल एवं सब्जियों में लगभग 80 से 90% तक जल होता है इसके कारण। तथा तो दूसरे प्रमुख कारण है आपके सूक्ष्मजीव, खमीर हो गया आपका, या फफूंद हो गया, जीवाणु हो गए, एंजाइम हो गए, ये सब भी प्रमुख कारण है। तथा इन प्रमुख कारणों को जो उत्प्रेरित करते हैं उनमें सहायक कारण है आपके तापमान, पीएच, वायु, ये सब कारण जो हमारे फल एवं सब्जियों को खराब करते हैं तथा इनमें पकने के बाद जीर्णता की स्थिति आती है। तो फल एवं सब्जी को हम लोगों को परीक्षित करना है तो इन सब कारणों पर ध्यान देना होगा तथा विभिन्न सिद्धांत जो परिरक्षण के उनको अपनाना होगा, जैसे कि अरोगाणुता का सिद्धांत। अरोगाणुता के सिद्धांत में हम लोग बीज बुआई से लेकर कटाई तक और कटाई के बाद भंडारण एवं प्रसंस्करण तक जो सूक्ष्म जीव है उनसे साफ स्वच्छता के माध्यम से हमारे फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखते हैं। तथा दूसरा जो उच्च ताप का सिद्धांत, उच्च ताप के सिद्धांत के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव है या एंजाइम है या जो रासायनिक अभिक्रिया है या उच्च ताप पर समाप्त हो जाती है या जो बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाते हैं, अतः उच्च ताप की विधियाँ जैसे आपकी निर्जीवीकरण हो गई, पॉस्चराइजेशन हो गई या फिर ब्लांचिंग हो गई, इनके माध्यम से भी हम फल एवं सब्जियों को परिरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार से निम्न ताप जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है, शीत संग्रहण, या हिमीकृत यानी कि जो फल एवं सब्जियाँ उनको बर्फित अवस्था में भी हम लोग लाकर उनका परिरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा जो वायु है, वायु के कारण भी हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो फल एवं सब्जियों को ख़राब करते हैं। तथा वायु का निष्कासन जैसे एयर टाइट पैकिंग हम लोग करते हैं, वायुरुद्ध पैकिंग, निर्वात पैकिंग, इसके द्वारा भी हम लोग फल एवं सब्जी का परिरक्षण कर सकते हैं। तथा हमारे जो माइल्ड एंटीसेप्टिक होते हैं, मृदु प्रतिरोधी पदार्थ जिसे कहते हैं, जैसे कि शक्कर हो गया आपका, नमक हो गया, है ना, सिरका हो गया, फिर मसाले हो गए, इनके द्वारा भी हम लोग फल एवं सब्जियों का परिरक्षण करते हैं। तथा यह प्रक्रिया बहुत प्राचीन समय से हमारे यहाँ घरों में अपनाई जा रही है। जैसे हमारा अचार है वह नमक के कारण सुरक्षित रहता है, मुरब्बा शक्कर के कारण सुरक्षित रहता है, तथा आजकल जो नए उत्पाद बनते हैं जैम, जेली, मार्मलेट, ये भी शक्कर एवं ताप के मिले जुले प्रभाव से संरक्षित रहते हैं। इसके अलावा किण्वन का सिद्धांत अपना के जैसे कि एसिटिक एसिड से सिरके का निर्माण तथा लैक्टिक एसिड से अचार का निर्माण करके भी हम लोग हमारे जो फल एवं सब्जी है उनको विभिन्न रूपों में संरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन सब सिद्धांतों के आधार पर जो फल एवं सब्जी है उनको परिरक्षित करने के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कैनिंग एवं बॉटलिंग, या जिसे डिब्बाबंदी कहते हैं कि जो फल एवं सब्जियाँ है उनके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको कैनिंग माध्यम में, कैनिंग माध्यम यानी कि हम लोग यदि फल को प्रिजर्व कर रहे हैं तो फल को यदि संरक्षित कर रहे हैं या परिरक्षित कर रहे हैं तो उसमें शक्कर का घोल, तथा यदि सब्जी की हम लोग डिब्बाबंदी कर रहे हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े काट कर उनको नमक के घोल के साथ रखकर उनकी एयर टाइट या वायुरुद्ध पैकिंग की जाती है तथा फिर उनको उच्च ताप पर संसाधित किया जाता है। इसके अलावा हम लोग जो कार्बोनेशन यानी कि जो पेय पदार्थ है उनको भी विभिन्न गैसों के माध्यम से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इनके माध्यम से हम लोग परिरक्षित कर सकते हैं। पेय पदार्थ जैसे हमारे फ्रूट जूस हो गए, इनको पाश्चराइजेशन की विधि द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ जैसे बार्ली वाटर हो गया, नेक्टर, कार्डियल या स्क्वैश, संतरे वगैरह से हम लोग बना सकते हैं। कार्डियल जो है नींबू वर्गीय पौधों से जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनसे हम लोग तैयार कर परिरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा अमरूद है हमारा, अमरूद से हम लोग जेली बना सकते हैं, जो कि एक अमरूद जो है जेली बनाने के लिए बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त तो फल है। इसमें पेक्टिन की मात्रा क्योंकि ज़्यादा होती है। तथा तो इसी तरह से टमाटर से हम लोग सॉस, केचप एवं प्यूरी, चटनी इत्यादि बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हम यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो हम लोग पाएंगे कि जो टमाटर है उसका मूल्य बाज़ार में 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक वेरी करता है, मतलब अलग अलग रहता है अलग अलग सीजन के हिसाब से, समय के हिसाब से। जबकि यदि हम टमाटर से सॉस या केचप बनाएं तो उनका मूल्य एक तरह से स्थिर हो जाता है। तो हमारे किसान भाई फल एवं सब्जियों का परिरक्षण कर घरेलू स्तर पर या एक लघु उद्योग के रूप में स्थापित कर एक अतिरिक्त आय के साधन के रूप में अपना सकते हैं। धन्यवाद। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है।
हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, बदलते मौसम के साथ साथ जिस तरह हम अपने खेतों की, अपने फसलों की और अपने कृषि यंत्रों की देखभाल करते हैं, उसी तरह की अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता हमारे पशुओं की भी होती है, क्योंकि भारतीय कृषि पशुओं के बिना अधूरी मानी जाती है। पशुओं के देखभाल में क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, आइए इसी के बारे में जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विवकीन पचौरी जी से। पशुपालन एक ऐसा विभाग है, इसमें पशु जो रखते हैं ग्रामीण पशुपालक, वो चार मुख्य मुद्दों पे डिपेंड करता है। पहला होता है पशु की नस्ल, दूसरा होता है उनका खान पान, तीसरा होता है उनका रहन सहन और चौथा होता है प्रमुख बीमारियां एवं उनका टीकाकरण। तो सबसे पहले अगर मैं प्रमुख नस्लों का बताऊँ तो प्रमुख नस्लों में गिर, शाहीवाल, रेड सिंधी, दियोनी, ये कुछ नस्लें हैं जो हमें 300 दिनों में 2000 लीटर से लेके 1500 लीटर प्रति 300 दिनों में दूध देती हैं। इसके बाद ये नस्ल हम रख सकते हैं गाय के केस में, और भैंसों में हम ग्रेडेड मुर्रा को अपने यहाँ रख सकते हैं, भदावरी भी हमारे यहाँ सफल है। इन भैंसों को हम दुग्ध उत्पादन के लिए रख सकते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए रखने के बाद हमारा मुख्य अगला पॉइंट आता है, वो है पशु पोषण। पशु पोषण के लिए हमको तीन चीज़ों पर पशुपालक डिपेंड होते हैं। पहला होता हरा चारा, दूसरा होता है भूसा और तीसरा होता है दाना। अगर हमारे पास पशु है जिसकी का वजन 40 किलो है तो उसको हम 5 किलो सूखा भूसा, जिसको हम भूसा कहते हैं, और 20 किलो हरा चारा और 1 किलो दाना कंसंट्रेट मिक्सचर दे सकते हैं। और अगर मोटे रूप में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रति 2.5 kg दूध पे गाय के स्तर की अगर मैं बात करूं तो उसको 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना देना है, और भैंस में प्रति 2 किलो दूध पे 1 किलो उसको दाना देना होता है। इसके साथ ही साथ खनिज पदार्थ हमको उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। 30 से 50 ग्राम प्रति दिन उनका खनिज पदार्थ दें, कम से कम जब वो गाभिन अवस्था है आखिरी के 3 माह में और आगामी तीन बच्चा देने के आगामी 3 महीने तक। इससे फ़ायदा यह है कि जो बच्चा होगा वो स्वस्थ होगा और जो हमारी गाय है दुग्ध अवस्था में वो दुग्ध अच्छा होगा और उसमें फैट परसेंटेज हाई होगा। इसके साथ साथ अजोला भी एक फन हमारे यहाँ उपलब्ध हो गया है, उसको खिलाने से 10 से 12 प्रतिशत दूध की उत्पादन बढ़ता है और उसको 20 से 25 प्रतिशत हमारे हरे दाने में बचत हो जाती है। अगर हम 20 से 25% उसको खिलाएंगे तो हमारा खर्चा, दाने का खर्चा कम होगा। इसको हम दाने के संग 1:1 के रेशियो में दे सकते हैं, 1 दाना का पोर्शन और 1 अजोला का पोर्शन। अजोला देने से प्रोटीन, खनिज पदार्थ, मिनरल्स और विटामिन्स की पूरी पूर्ति होती है पशुओं को। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है, होता है इनका रहन सहन। रहन सहन यानी मैनेजमेंट, हम पशुओं को ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे पर्याप्त हवा हो, साफ पानी मिले। पानी अगर साफ ना हो तो उसमें कैल्शियम परमैंगनेट जो लाल दवाई आती है वो डाल सकते हैं, उससे पानी साफ मिलेगा। उसके साथ साथ हम उसको ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे हम जो उसकी चूने से पुताई करें, जहाँ वो पानी पीती है उसको भी हम चूने से पुताई कर दें। इससे फ़ायदा ये है कि जो दुग्ध उत्पादन वाले पशु हैं उनको कैल्शियम की मात्रा सफिशिएंट मिल जाएगी। इसके साथ साथ हम उसको स्टॉल फीडिंग में रखें, यानी कि हम चारागाह ना भेजें उनको, अपने पास ही उनको रखें। इसके संग संग पशुपालक जो हैं वो हरा चारा अपने खेत पर उगाएँ। खरीफ में मेज़ है, मक्का है, ये एमपी चरी उगा सकते हैं, और ठंड के केस में बरसीम है, जौ है, इनका उत्पादन कर सकते हैं। इन्हीं चारा को काट के इनको खिलाएं, इसमें थोड़ा नमक की मात्रा ज़रूर इंक्लूड करें। इसके साथ साथ साफ़ सफाई के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो पशुओं को बाहरी परजीवी और आंतरिक परजीवी के लिए आइवामेक्टिन नाम की औषधि आती है, उसको देने से
उसका इंजेक्शन के रूप में भी मिलता है, औषधि के रूप में से भी मिलता है। इससे पशुओं की जो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है उसमें बाहरी परजीवी आंतरिक परजीवी का प्रकोप बढ़ जाता है, इससे इसकी रोकथाम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर जो पशुओं को जू किल्ली पिस्सू वगैरह की जो समस्या होती है तो इसके लिए हम उनको ब्यूटॉक्स के पानी में नहला सकते हैं। 2 ml दवाई 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलने के बाद उनका स्नान करा दिया जाए, पशुओं को रोज़ स्नान कराया जाए। और अगर हम अच्छे स्थान पर रखते हैं और तनाव कम देते हैं, क्या होता है पशुओं को भी अगर हम अच्छे से मैनेज नहीं करें तो उनको तनाव होता है। इन सब चीज़ों का अगर हम रखते हैं तो 10 से 20% पशुओं का तनाव कम करते हैं, इससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और आखिरी पॉइंट जो होता है जिसमें कि हमको टीकाकरण बीमारियां का और उनका टीकाकरण, अभी चूंकि गर्मी का मौसम आ रहा है तो प्रमुख बीमारियां जो रहेंगी वो HS और BQ। HS यानी गलघोटू बीमारी, जिसमें पशु को बुखार आ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, उसको सांस लेने में घर घर की आवाज़ होती है, तकलीफ होती है। और एक टंगिया बीमारी जिसको कहते हैं ब्लैक क्वार्टर, उसमें पशुओं के जांग का हिस्सा में बैक्टीरिया पूरी तरह से सड़ा देता है, धीरे धीरे लेमनेस आ जाती है, पशु चल नहीं पाता है और दुग्ध उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसका टीकाकरण हमारे पास उपलब्ध है। पशुपालक अपने पशुओं को किसी भी पशु चिकित्सा विभाग में जाके, डिस्पेंसरी में जाके, या उनके यहाँ जो AVFO आते हैं उनसे लगवाया जा सकता है। इस तरह की आजकल कंबाइंड वैक्सीनेशन भी है, HSBQ नाम का, सिंगल रक्षा HSBQ। ये सिंगल डोज देने से साल भर तक पशुओं को इन बीमारियों से बचाव हो सकता है। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना, हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने, हर शुक्रवार रात 9:30 DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। DD किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हम इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 4620013। इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।